मल्टीप्लाई करने के बाद धांसू टिक देख लेते हैं, वन पे एंड होने वाले टू जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 41 इंटू 51 क्या करना है सर, आंसर के लास्ट में वन होगा। अब आपके ओरिजिनल नंबर्स के जो भी यूनिट डिजिट है उसको भूल जाइए, यूनिट डिजिट भूल जाएंगे चार बचेगा, यूनिट डिजिट भूल जाएंगे पांच बचेगा, इन्हीं को ऐड करके लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 4 + 5 9 लिख लिया, 5 × 4 = 20 सर आगे लिख लिया, ये आंसर होगा। चाहो तो चेक कर लो, नेक्स्ट में ट्राई करते हैं, आंसर के लास्ट में वन होगा। यूनिट प्लेस के डिजिट को भूल जाएंगे, दो बचेगा तीन बचेगा, इनको ऐड कर लेंगे पांच हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 × 6 यही आंसर होगा। चाहो तो चेक कर लो, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में ट्राई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर, आंसर के लास्ट में वन होगा। यूनिट प्लेस के डिजिट को भूल जाए, 9 बचा 8 बचे, इनको ऐड कर लेंगे 9 = 17, दो डिजिट आने लगे तो ये वाला डिजिट मल्टीप्लाई के कैरी में चला जाएगा सर, यानी कि +1 मल्टीप्लाई के कैरी में, 9 = 72 + 1 = 73 यही आंसर होगा।